अभी कविता जी ने बताया कि जो पॉइंट का जो मामला है, अभी पॉइंट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि एक तरफ सरकार लालच देती है कि आप इतने पॉइंट बनाएंगे तो आपको इतने पॉइंट पे इतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन अभी पॉइंट मेरे से क्लियर नहीं हो रहा है और ना ही वो क्लियर होने की संभावना है। आइए और जानकारी लेते हैं कि वो जो पॉइंट क्या है। मैडम, अभी आपके जो यूनियन लीडर हैं इन्होंने बताया कि जो पॉइंट होते हैं पॉइंट के अनुसार हमें पैसा मिलता है, तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं? होता है हम किसी की अगर गर्भवती महिला का पीएनसी करवाते हैं, विजिट कराते हैं, सर विजिट कराते हैं, तीन पहला टीका जब लगता है तो उसको विजिट पहली विजिट की जाती है तो उस पॉइंट के आधार पे हमें 150 रुपये मिलते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है अगर 9 महीने का बच्चे हमने कवर कर दिए तो उसका हमें 125 रुपये मिलता है, जो कि वो भी कट जाता है हमारा। और उसके बाद 18 महीने का बच्चा होता है, 15 महीने का पीएनसी के 50 रुपये मिलते हैं, तो वो भी हमारे पॉइंट के आधार पे ही हमारे एरिया में काम किया जाता है, जिसके आधार पे हमारे पॉइंट देखकर ही हमारे को पैसा बनता है, जो कि वो भी हमारा 500-700 रुपये में कवर हो पाता है, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। क्या मजबूरी है कि जब पॉइंट इस तरीके से लगाए जाते हैं और 500-700 रुपये की बात करी अभी मैडम ने, तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नर्मदा है, मैं सागर डिस्पेंसरी से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे जो हमारे साथ बिहेवियर होता है बहुत गंदा बिहेवियर होता है। गंदा बिहेवियर आपके साथ में? गंदा हमारी और दूसरे में क्या है कि जब हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं डिलीवरी करने के लिए गांव चली जाती है तो हमारे पॉइंट कट जाते हैं। और दूसरे में अगर बच्चे का टीकाकरण अच्छा सा ना हो तो हमें वो पैसा भी हमारा मारा जाता है। क्यों मारा जाता है कि बच्चे का टीकाकरण, यदि बच्चा टीकाकरण करके आया भी है उसके बावजूद NMA अगर चढ़ा नहीं पाती उसके बावजूद भी वो पैसा हमारा मारा जाता है। दूसरे में यह है कि जो पॉइंट सिस्टम है, हम चाहते हैं सरकार से वो पॉइंट सिस्टम खत्म करके और हमारा मानदेय, हमारा जो वेतन है, हमें वेतन दिया जाए। धन्यवाद।